कि अक्सर क्या होता है लूज करते हैं यहाँ पे छोड़ देते हैं प्रॉपरली नहीं डालता आपने इसको प्रॉपरली यहाँ पर लेके आना थ्रेड को इस तरह से करके खींच के नहीं निकालना कभी भी नहीं करना आपने हमेशा इसको बैक साइड से ऐसे करके आई होप यू आर ऑल फाइन आज की की 8100, 8200, के भी तो मैं आपको बताऊंगी जुनोन की मशीन एटी वन हंड्रेड एटी टू एंड एटी थ्री हंड्रेड के वर्किंग के बारे में कि ये किस तरह से वर्किंग करते हैं और आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर गाइड करूंगी कि कौन सी चीज किस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इस मशीन की ओवरऑल लुक है कुछ इस तरह से जुनूम की मशीन है और इस मशीन को जब भी आपने इस्तेमाल करना हो इसके साथ दिया जाता है अडोप्टर ठीक है जी क्योंकि ये जो मशीन होती है वन टेन की होती है जो हमारी की पाकिस्तान में होती है और टू ट्वेंटी की होती है जो कि कन्वर्ट करके लेके आते हैं अगर आप अडोप्टर यूज नहीं करेंगी तो आपको डायरेक्ट अगर आप इसको प्लग इन कर देते हैं तो आपकी मशीन जल भी सकती है इस मशीन में 53 जो है वो डेकोरेटिव स्टिचेज हैं साथ में आपको और भी मिल जाते हैं साथ में आपको इसके साथ मेमोरी कार्ड भी दिया जाता है ताकि आप डिफरेंट डिजाइनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे इसका है जनाब हैंडल फील यहाँ पे इसका जनाब जी पावर है ऑन ऑफ का बटन हो गया और इसके बाद इसके अंदर दिया जाता है यहाँ से एक प्लग इन जो कि हमने अडाप्टर में डालनी होती है कुछ इस तरह से अच्छा पहले मैंने भी ऐसे किया था कि गलती कर ली थी मैंने डायरेक्ट प्लग इन कर दिया था और मशीन जल गई थी जितनी भी जो कि वन टेन की मशीन होती हैं इस तरह की अडोप्टर हो अपना अडाप्टर लाजमी यूज करना है ठीक है जी अडोप्टर में मैंने कर लिया है इसके बाद मैंने इसको करना है प्लग इन इस तरह से मेक श्योर कीजिएगा आपकी मशीन जो है वो ऑफ होनी चाहिए तो सबसे पहले हमने अडाप्टर का जो कि है ये स्विच ऑन करना है हो गया जैसे ही आप इसको ऑन करेंगी नीचे इसकी जो ग्रीन बत्ती है उसने जलना स्टार्ट कर देना है इसके बाद हमने अपनी मशीन का ये जो ये बटन है हमने ये ऑन कर देना है और इस तरह से इस तरह का डिस्प्ले आता है और सम टाइम जो बिगनर्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं बिगनर्स के लिए ये वीडियो है कंप्लीट तो आपने पैनिक नहीं करना ठीक है जी आपने दोबारा से अपनी मशीन को करना है ऑफ फ्यू सेकेंड का टेन से फिफ्टीन मिनट का आपने गैप देना है फौरन से ऑन ऑफ करेंगे तो मशीन खराब हो जाती है इन मशीनों के साथ थोड़ा एहतियात के साथ चलना पड़ता है इसको मैंने फिर से करना है ऑन आपके सामने करूँगी एंड सेट इतनी सी बात होती है अक्सर वो क्योंकि ये जैपनीज मशीन है वो परेशान हो जाते हैं कि फिर भी समझ ना आए गूगल ट्रांसलेटर से आप देख लिया करेंगे क्या लिखा हुआ रहा है कुछ भी इस तरह का हो ऑन ऑफ करेंगे लेकिन फौरन से आपने ऑन नहीं करना होता थोड़ा सा टाइम देना होता है एक प्रॉब्लम होगी आपकी सोल्व उसके बाद अगेन आता है हमने थ्रेडिंग किस तरह से करनी है हम डालते हैं हमारी स्लाई सही नहीं आती तो आपको मैं प्रॉपर इसकी थ्रेडिंग करके दिखाऊंगी आपने किस चीज़ का रखना है ध्यान ठीक है जी ये इस तरह से सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ इसमें ये मुख्तिफ़ आपको टच स्क्रीन में दिया जाता है इसके बाद इसमें ये ऑन ऑफ मशीन हमने करनी है ठीक है जी और इसके बाद ये हमारा है रिवर्स करने के लिए और ये थ्रेड जो होता है ना अपना आपका आप हैंडल व्हील से भी ऊपर नीचे कर, कर सकते हैं और डायरेक्ट उससे भी करना चाहें कर सकते हैं और यहाँ पे आपको दिए जाते हैं फुट ये देखें जी या पुफ्स फूट दिए जाते हैं साथ में आपको बॉबन्स जाती हैं फोर तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपने बॉबन में धागा भरना किस तरह से है चाहे तो अपनी जो कि नलकी है आप इसको इधर भी लगा सकते हैं लेकिन इसका स्टॉपर मैंने फिलहाल कहीं पर रख दी है तो मैं फिलहाल ये यूज कर रही हूँ अलग से दिया जाता है ये काफ़ी अच्छी बात है ठीक है जी इसमें हमने अपनी नलकी को लगाना है अगर आप गौर से देखें इसके ऊपर तमाम निशान मेंशन है पड़े कि आपने किस तरह से थ्रेडिंग करनी है देखिए इस तरह से लेके आना है ठीक है इस तरह से और फिर हमने इसको बॉबन में कर देना है फिर ठीक है जी ऐसे किया थ्रेड को आपने इधर से जाना है प्रॉपरली इधर से अब यहाँ पे हमने इसको इधर ले आना है ऐसे इस साइड से फिर हमने इसको ऐसे ही करना है करीब से भी दिखा दूँ ऐसे आ गया इसके बाद हमने इसको ऐसे करना है फिर हमने इसको ऐसे जी ऐसे हो गया और अब हम इसको बॉबन में डाल देना है ये देखें जी ये थ्रेड है होल में से गुजारना है इधर हो गया हमने इसको करना राइट साइड तरफ इस तरह से हो गया थ्रेड को आपने पकड़ के रखना है छोड़ना नहीं है और यहाँ से हमने मशीन को ऑन कर देना है ये अब स्टॉप कर देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम कट कर लेंगे ठीक है जी ये एक्स्ट्रा थ्रेड है यहाँ से मैंने इसको कट कर देना है थोड़ा सा फिल करने के बाद कट करना है पहले करेंगे तो वर्किंग नहीं होगा और फिर हम स्टार्ट कर देना है ये देखें और यहाँ से आप इसके स्पीड को कम या ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा फास्टली और यहाँ से हमें जितना भरना था तो भर लिया इसको स्टॉप करेंगे और वापस से इसको निकालेंगे कुछ इस तरह से ऐसे और ऐसे ठीक हो गया बॉबन में धागा हमने भर लिया आप जो बिगनर्स होती हैं उनको होती है परेशानी कि हमने ये डाला किस तरह से है अपने बॉबन को बटन को ऐसे करेंगे ये ऊपर आ जाएगा लिट हमने इसको हटा लेना है ठीक है ये होते हैं हमारे अपर बोबन होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं तो इन मशीन को थोड़ा ध्यान के साथ हमें लेके चलना होता है आपने कुछ भी नहीं करना डैट सेट ऐसे इसके अंदर डालना है आपको कट नज़र आ रहा है ये वाला ठीक है तो ये आपको कट नजर आ रहा है फर्स्ट कट हमने अपने इस थ्रेड को इधर से गुजारना है बहुत आसान है पहले फिंगर से पुश करना है इसको ऐसे ये ऐसे ये देखें इसको ऐसे फिंगर से नीचे करेंगे आराम से आ जाएगा ये आराम से ये देखें आप और ऐसे करते हुए हमने इसको यहाँ पे ले आना है दैट सेट ठीक है ये देखें ऐसे किया ये ऐसे और हमने इसको फिर ऐसे लेके ये बस ये ऐसे करके हमने इसको छोड़ देना है इस तरफ फिर हमने इसकी लीड जो है ये हमने लगा देनी है अगर आप गौर से देखें इधर आपको मेथड भी दिया हुआ है ये ऐसे करके और बंद कर लें ये आराम से खुद ब खुद ही ये देखिए लूज है आ रहा है तो परेशानी परेशानियों ना बिगनर्स में बेशक आप ब्लीड बाद में भी लगा सकते हैं अब हम करते हैं ऊपर की थ्रेडिंग बहुत आसान है अक्सर जो कहते हैं ना धागा हमारा नीचे का लूज आ रहा है बेसिक वजह यही होती है कि हमने अपर थ्रेड सही से नहीं डाला होता ऐसे थ्रेड डालना है फर्स्ट सेम प्रोसीजर है ऐसे लेके आना है ठीक है ऐसे इधर से गुजारा ये हमने इधर से आप इसको ऐसे नीचे लेके आना है ठीक है इसके बाद ये ऊपर आएगा इसके बाद होता है थ्रेड टेकअप यहाँ पर होता है मैं यहाँ पर खुल भी जाता है डोर मैं आपको दिखाती हूँ इसका ऊपर होना भी बहुत जरूरी है अच्छा एक और चीज़ कहते हैं जैसे हम स्टार्ट करते हैं हमारा थ्रेड जो होता है वो क्या होता है कि हमारा निकल जाता है तो आप जो फुट होगा उसको आप नीचे भी कर सकते हैं ठीक है ऐसे करके आ गया आप मेक श्योर ये बिल्कुल मेरा ऊपर है थ्रेड टेकअप देख रहे हैं आप ये कितना ऊपर है ठीक है ये आ गया फर्स्ट इधर से लेते हुए यहाँ से ये ऊपर आ गया यहाँ पे अब हमने इसके अंदर डालना है इस तरह से ये ऐसे टक इन करके अक्सर क्या होता है लूज़ करते हैं यहाँ पे छोड़ देते हैं प्रॉपरली नहीं डालता आपने इसको प्रॉपरली यहाँ पर लेके आना यू कैन सी दिस ये चीज़ यहाँ पर बाज़ टक इन हो जाता है यहाँ पे खिंचाव आ रहा होता है तो आपने बस ध्यान रखना है कि थ्रेड आपका बस सही से डालाओ इसके बाद आपने इसको ऐसे खींचना है और ये आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ हमने इधर से इसको गुजारना है ये इस तरह से ये आ गया है बस और अब हमने इसको डाल देना है अपनी नीड नीडल में इस मशीन में थ्रेडिंग करने के लिए जो है ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडर भी है पड़ा लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी ऐसे खुद ही डाल सकते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा ठीक है कहा आपको ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि इसमें ये चीज़ भी है पड़ी ठीक है थ्रेड हो गया अब अब आपने क्या करना है इस वक्त अगर आप चाहें तो आप हैंडल व्हील को हिला के भी धागा ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं अगर नहीं कर सकते तो आपको मैं ये दिखा दूँ ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ये इसको पुश करेंगे नीडल नीचे यहाँ पे भी पैनिक नहीं करना एक दफ़ा किया नीडल हमारी चली गई नीचे यू कैन सी अब हमने इसको एक बार और करना है नीडल ऊपर धागा भी ऊपर मैं चाह रही हूँ कि आपको करीब से दिखा दूँ ताकि तमाम डाउट आपके क्लियर हो जाए ये देखें धागा इसको ऐसे खींचेंगे ना ये देखें नज़र आ रहा है आपको थ्रेड हमारा ऊपर आ जाएगा बस है ना आसानी और इसके बाद हमने बिस्ती सी बात है स्टेच स्टिच करनी है तो हम यहाँ पे डायल कर देंगे नंबर टू स्टे स्टिच कोई भी काम करना हो कोई भी आपने डेकोरेटिव स्टिच डायल करनी हो सबसे पहले आपने स्टेट स्लाई लगा के देख लेना है उसके बाद डेकोरेटिव स्टिचेस करना है ऐसा नहीं है कि मशीन बंद पड़ी है डायरेक्ट अपने डिजाइन डाल के वो स्टार्ट हो गए नो पहले आपने हमेशा स्टार्ट में स्टेज स्टिच लेके आनी है उसके बाद अपनी कोई भी डेकोरेटिव स्टिचे करना है फिर डाल कीजिएगा वर्किंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी कुछ चीजों का ध्यान रखते इन मशीन के साथ आपकी मशीन बहुत अच्छी चलती हैं अब मैंने लिए काफ़ी से लोगों को डाउट था अच्छा आपने रेली आपकी सही चल रही है नहीं चल रही ये तो बहुत तंग करती है बहुत परेशानी करती है देखिए आपने इस मशीन को देख के संभल के चलना होता है अगर जैसे मशीन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप वर्किंग करते हैं तो ये आपको वर्किंग भी हंड्रेड बाय हंड्रेड देती होती है ठीक है फर्दर्स आपको मजिए बताऊंगी जस्ट अभी एक दो डेकोरेटिव स्टिचेस बता दो मैंने कहा थ्रेडिंग का बता दो जहाँ पे बिगनर्स बहुत ज्यादा जो होते हैं उनको मसला होता है तो वो बता देती हूँ अब यहाँ पे आ जाती है हमारी टेंशन टेंशन जो होती है ना नॉर्मल फोर फाइव इस मशीन में नॉर्मल होती है क्योंकि हर मशीन की टेंशन डिफरेंट होती है काफ़ी सारे मुझसे पूछते हैं यहाँ पे फोर और फाइव नॉर्मल होती है ये लूजिंग तरफ जाएगी और मैं इसको आगे करती जाऊँगी तो ये टाइट हो जाएगा ठीक है इसको मैं रख रही हूँ फिलहाल इतना और ये है हमारा प्रेशर फुटबार इसमें जस्ट होते हैं थ्री आई थिंक हाँ यस ये हमारा लूज ये हमारा टाइट हो जाएगा टू पे नॉर्मल होता है ये इस तरह से और थ्री पे मैं लेके आऊँगी तो हमारा ये मजदीद टाइट हो जाएगा तो नॉर्मल जो होता है प्रेस फुटबॉल वो हमारा दो पे ही होता है अब आपको मैं स्टेट स्टिच किया आपने मशीन को समझ लिया ना फिर आपके लिए कोई मशीन को भी चलाना या वर्क करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा जो बिगनर्स होते हैं ना अच्छा ये अब बारी आती है हम लें या ना लें जिन्होंने पहले भी कोई भी मोटर वाली मशीन इस्तेमाल नहीं की तो मैं उनको प्रेफर नहीं करूंगी बिगनर्स वो लें पहले आप दूसरी मोटर वाली मशीन चला लें फिर आप फर्दर इसके ऊपर है ठीक है वरना वो डेट क्या होता है पहले उन्होंने कभी यूज नहीं किया होती फिर वो पैनिक कर जाते हैं वो फिर मशीन के साथ गड़बड़ी कर देते हैं फिर प्रॉब्लम होती है ठीक है जब स्टार्ट करते हैं हम स्टिचिंग करना इट्स ओके मेक श्योर कर लिया हमारी स्टिचिंग ये देखने बिल्कुल ओके okay है कोई भी मसला नहीं आ रहा अगर आपको लगे कि नीचे ऊपर दाना आ रहा है ठीक है ऊपर आपकी मशीन में दाना दाना सा आ रहा है तो आपने क्या करना है जो स्क्रू होता है उसको टाइट करना है फर्दर बता दूँगा जिनको मसला है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अच्छा अब इसके बाद बारी आती है डेकोरेटिव स्टिचेस हमने किस तरह से डायल करनी है हमें कैसे पता चले कि हमने इसकी लेंथ विर्थ जो है वो हमने रखनी कितनी है वो भी मैं जस्ट एक करके बताऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सबसे पहले ऊपर डिज़ाइन दिए हुए हैं हमने कोई भी करना होता है हम मैंशन कर देते हैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको शो हो रहा होता है ठीक है इनमें से एक हमारा डिज़ाइंस के लिए होता है विथ के लिए होता है सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ मुझे ये वाले डिजाइन करने हैं इनमें से जो मैं डिजाइन करना चाह रही हूँ मैं पहले वो फाइनल कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट डिजाइन है ठीक है जी हम इस पेजों के डिजाइन कर रहे हैं फिलहाल वो हम लीफ का कर, कर लेते हैं फोर्टी फोर हो गया अब हमें परेशानी होती है इसकी लेंथ विथ हम किस तरह से कम ज्यादा करें अब ये देख लें ठीक है जी ये लीफ हमारा हो गया फाइनल अब होती है परेशानी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा डायल करें तो आपने क्या करना है ये कॉर्नर याद रखना है ये वाला कॉर्नर ठीक है आपने इसको करना है डायल अब इसमें आ जाती है आपके डिज़ाइन की वर्थ आपने कितनी रखनी है और साथ में आ जाती है आपकी स्टिच लेंथ आपने कितनी रखनी है ठीक हो गया ना ये देखें आप इसको कम भी करना चाहें आप इसको कम भी कर सकते हैं ज़्यादा करना चाहें तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं ठीक है थीके? मुझे जस्ट इतना ही चाहिए तो मैं इतना ही करके मैंने कहा आपको बता देती हूँ फिर इसको हम कर देंगे ऐसे और डिज़ाइन हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है पड़ा ठीक है जी और अब हम इसे करते हैं स्टार्ट बहुत आसान है कोई मसला नहीं और मेक श्योर कीजिएगा स्टार्ट में हमेशा आपने स्पीड कम रखनी है फर्दर आपने ज़्यादा करनी है एकदम से ज़्यादा करेंगी तो मसला आपको फेस करना पड़ेगा ये देखिए आप आप यहाँ पे जो कहते हैं कि थ्रेड ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने नीडल की क्वालिटी जो है वो आपने बहुत अच्छी रखनी है ये देखें ये थोड़ा सा हमारी मशीन वर्क कर रही है मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से आए अब मैं इसकी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही हूँ इसकी स्पीड में बढ़ा रही हूँ एकदम से नहीं बढ़ा रही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगी ठीक है आपको आप करके भी दिखा देती प्रॉपरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं ना और दूसरी बात बहुत ज़्यादा अगर थ्रेड ब्रेकिंग करते हैं उसकी मैं बाद में से वीडियो भी बना दूँगी और फर्दर फिर इनके फूड वगैरह कैसे यूज़ होते हैं उनकी भी बता दूँगी ठीक है जी ये देखिए ये अच्छी मशीन है बस आपको इस्तेमाल तो का तरीका पता होना चाहिए ना इसके साथ बस छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी संभल के यूज़ करना है तो वर्क आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा देगी अब मैं इसको कर रही हूँ स्टॉप यहाँ से और इसका एक बेनिफिट ये है कि इसके साथ भी कटर है पड़ा अगर आपने कुछ भी कट करना हो तो ठीक है ये देखिए ऐसे और कभी भी आपने थ्रेड को इस तरह से करके खींच के नहीं निकालना कभी भी नहीं करना आपने हमेशा इसको बैक साइड से ऐसे करके फिर ये कटर है पड़ा कटर से कट करना है और फिर ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और ये हमारी बन के आ गई है ठीक है जी ये देखिए आप ये देखें हो गया क्लियर और मज़ीद अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस मशीन को यूज़ करते हुए आ रही है कमेंट्स में बताइए मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी या फिर जो भी मसला है जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपकी सॉल्व कर सकूँ तो वीडियो अच्छी लगी हो मेक श्योर लाइक शेयर और न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलेगी नेक्स्ट इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए हाफिज़